हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जो कि आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स पेपर में आए थे। इसका जो कोर्स कोड है वो है आपका DMGT 406। LPU स्टूडेंट्स के लिए ये है सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम नोट्स। जो भी LPU में सेकंड सेमेस्टर में बच्चे MBA कर रहे हैं उनके कोर्स में ये टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज हम इसी के पेपर के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका एग्जाम आता कैसे और किस लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैंने आपकी LPU की साइट से ही डाउनलोड करे है और ये सारे के सारे आपको LPU की साइट पे इजीली मिल जाएगी। अगर आप भी अपने आप से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में कमेंट ये देख के इसका लिंक देख के वीडियो का आप भी इन क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इस कोर्स की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तो इसके जो एग्जाम के टोटल मार्क्स होते हैं वो आपका एक्सटर्नल होता है 80 मार्क्स का एग्जाम और इसको करने के लिए आपको मिलते हैं 3 घंटे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है दो सेट में डिवाइड होता है पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो आपका पार्ट ए है उसके अंदर आपसे 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस करने इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो पार्ट बी है उसके अंदर आपको टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 9 में से आपको 6 क्वेश्चंस करने कंपल्सरी है। अगर हम बात करें तो सेक्शन ए का हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और सेक्शन बी का हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। पार्ट ए के अंदर आपसे कुछ ऐसे से क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, जॉब डिजाइनिंग किसे कहते हैं हम, रिक्रूटमेंट क्या होती है, क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग किसे कहते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, कंपेंसेशन क्या होता है, जॉब इवेल्यूएशन को एक्सप्लेन करो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होते हैं, उसके बाद होस्ट कंट्री क्या होती है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे गए जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे वैल्यूएबल एसेट्स होता है वो क्या होता है, उस एग्जाम्पल को अपने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो, कोई भी 3 ऐसे मेथड्स बताओ जिससे आप जॉब को एनालाइज कर सकते हो जिसके अंदर आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हो मेथड्स के, सोर्सेस क्या होते हैं रिक्रूटमेंट के और एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ कैसे किन किन सोर्सेस से पता लगती है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जहाँ पे आपको कुछ कंडीशन दी गई है सिचुएशन बेस्ड, आपको उनके आंसर करने हैं। इसके बाद आपको यहाँ देख सकते हैं आपको कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है और वो कैसे लीड करती है एक्सपैट्रिएट प्रॉब्लम्स को ऑर्गेनाइजेशन की, और इसके कुछ ओवरकम करने के लिए आप इन प्रॉब्लम्स को क्या क्या सजेशंस देना चाहोगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पेपर वन। अगर हम क्वेश्चन पेपर टू की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसके अंदर आपको इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करना है, रिक्रूटमेंट, जॉब एनालिसिस, सक्सेशन प्लानिंग, स्ट्रेस इंटरव्यू, ग्लोबल HRM, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होते हैं आपके, कंपेंसेशन मैनेजमेंट, जॉब एनालिसिस, HRP। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के 3-4 पेपर भी अच्छे से करके जाते हैं तो आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपको कहीं प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इन वीडियोस के इन क्वेश्चंस के आंसर लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के और सारे LPU के अपडेट्स की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन के लेवल की तो क्वेश्चन के लेवल बहुत सिंपल है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने PCB क्लासेस अपनी अच्छे से लगाई है तो आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सेक्शन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पार्ट बी के कुछ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि HRP क्या होता है, इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, ग्रीवियंस क्या होती है, फंक्शन क्या होता है मेंटोरिंग के, और इसके अंदर HRM, IHRM, इन सबको आपने एक्सप्लेन करना है अच्छी तरीके से। और अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि गाइडेड एडजस्टमेंट क्या होती है एम्प्लॉयज की, ऑर्गेनाइजेशन इट्स वर्क एनवायरनमेंट क्या होता है। अगर हम बात करें मोरेल की, मोरेल क्या होता है, फंक्शन ऑफ मेंटोरिंग क्या होती है, ये सब कुछ आपने एक्सप्लेन करना है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चंस की तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट, मॉडर्न मेथड्स क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल की, ट्रेनिंग क्या होती है, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे HRM को एक्सप्लेन करो, HRM, IHRM,
तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे साफ दिख रहे हैं कि वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से कर लो जो रिपीट हो रहे हैं। इस बार भी चांसेस है कि आपके पास ये क्वेश्चंस आए, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ देर के लिए वीडियो होल्ड कर रहा हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाओ। तो फ्रेंड्स ये है हमारे एचआरएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप जल्दी से इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम की डेट शीट बस आने वाली है 10-15 दिनों के अंदर और बहुत कम टाइम बचा है प्रैक्टिस करने का। तो अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जरिए आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी कमेंट करिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ।